पधार रहे नमस्कार करता हूँ, आप लोग से नमस्कार करता हूँ। दोस्तों शांति शांति मनाइए और शांति के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ। मेरा नाम, एक मिनट, अब मेरा आप लोग परिचय लीजिए। बलिया जिला गांव पीनेपुर का मैं रहने वाला। मेरा नाम शंकर लाल शराबी। दोस्तों मेरा पांच प्राणी का परिवार है। कितना? पांच प्राणी के परिवार है। मेरा नाम शंकर लाल शराबी, मेरी पत्नी का नाम सावित्री और तीन बच्चे। बड़े बेटे का नाम सुमोहन, उससे छोटा सुसागर, और सुसागर से एक बेटी है छोटी जिसका नाम सुषमा है। दोस्तों बड़े बेटे का नाम जब सुमोहन कर लेता हूँ मेरे आँख में आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा पांच साल की उम्र में सुमोहन घर से लापता हो गया। मेरा बेटा सुमोहन लापता हो गया। अरे दोस्तों, जिसका औलाद गायब हो जाए उस बाप उस माँ की नींद कहाँ आएगी। मैं अपने बेटे की तलाश करता रहा रात दिन, झाड़ी जंगल चौराहे पर, मेरे बेटे कोई पता नहीं लगा। फिर सुबह उठता था, फिर टहल टहल के तलाशता था मेरा सुमोहन बेटा कहाँ गया। एक हफ्ते न खाया न पिया न सोया। दोस्तों जब मेरा बेटा सुमोहन नहीं मिला ना, तो मैं शराब का सहारा लिया, शराब पीता रहा, अपने सुमोहन बेटे का गम भुलाता रहा। और इस शराब को पीते पीते मेरी आदत इतनी खराब हो गई, शराब की तो बात ही छोड़ो, मैं जुआ भी खेलने लगा हूं। पैसे नहीं मिलते हैं मुझे तो पत्नी के गहने सारे बेच डाला, सारा जमीन जो थी गिरवी रख दिया, लेकिन जुआ खेलना बंद नहीं किया। मेरी पत्नी मजदूरी करती है, जो पैसा पाती है मैं उसे जाता हूँ उसे मांग लेता हूँ, जब नहीं देती है रामजा दिन तो जबरदस्ती छीन लेता हूँ और ले जा करके शराब रहती तो शराब नहीं पीता हूँ और ठीके पर जाकर शराब लेता हूँ और जुआ खेलता हूँ। यही मेरा पैसा है। दोस्तों अगर पैसे नहीं मिलते हैं ना, मैं किसी की साइकिल भी झटक देता हूँ। एक मिनट ज्यादा हो रहा। मैं साइकिल भी झटक देता हूँ अगर साइकिल नहीं मिलती है ना, किसी की बकरी वकरी पाता हूँ ना, चुप्पे से मुंह दबाता हूँ लेकर चला जाता हूँ। कसाई के हाथ में देता हूँ, मुझे पैसे मिल जाते हैं। इसी प्रकार से मैं पैसे कमाता हूँ और लुटाता हूँ और गंवाता हूँ। आज पैसे बिल्कुल नहीं है और कहीं से मिल भी नहीं रहा। चल रहा हूँ, मेरी पत्नी सावित्री काम पे गई थी, उसे जयराम जी। जयराम चोर साले। और शंकर चाचा कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। शराब देखा पीछा करना शुरू कर दिया साहब। चाचा काल है से हमका नहीं मिलती है। नहीं मिल रही है, हमारे पैसे वही नहीं बैठे। क्या साले, मैं यहाँ बनाता हूँ शराब। मैं तो चोरी से ठेकेदार कहाँ रहता जानता है? कहाँ? बजरी के खेत में रहता है। तब तो हम पौवे ने भयो का आज हेरत रहे। वहाँ लेके चला जाता, मैं पहुँच जाता, मुझे दे देता है। जवान काल 60 रुपया हमसे उधार ले रह दिया। पैसे उधार लिए था? हाँ। चल जुआ खेलूंगा तो दे दूंगा। चाचा
काहे का मतलब यार थोड़ा से तो थोड़ा थोड़ा कहता है थोड़ा जब पकड़ता है बाटली तो पूरा सोख जाता नहीं, है नहीं थोड़ा अब मुझे खाली कर दे तो मैं नहीं दूंगा थोड़ा से याद है यार चाचा नहीं बहुत अगर मखई चीज है अगर एक आदमी को पिए तो अच्छी बात नहीं चलो दो मिल पिया दे मेरे पास नहीं रहेगी तो मुझे पिलाएगा ना हाथ धो का पियाओ पिलाएगा पूरा एक ठीक खरीद दे थोड़ा से चल थोड़ा से ले लेकिन ज्यादा नहीं पिला थोड़ा से और पीने के बाद में मेरी माँ बहन काली मत देना साले छोर साले बस अब नहीं अब नहीं ज्यादा हो जाएगी याद है यार चाचा थोड़ा से अरे पिए तो ना भी कहाँ यार पिए चाचा क्या किस कढ़ाई ना तय किया चल डालता हूँ चल तेरी इच्छा है तो पहले पीता कम है आटा ज्यादा है साले साले दारू है कोई मजा है आ गया ज्यादा नहीं डेढ़ दिन से भाई साहब दारू नहीं पिए हाथ जोड़ता हूँ ज्यादा नहीं थोड़ा से पीबे बस ए इतना 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 एक घूंट अब दे दे सारे नहीं मुझे गाली दे अरे नहीं चाचा दे दे थोड़ा रुको सारे गाली शुरू कर दे थोड़ा तुम ठहर जाओ यार अबे ठहर नहीं जाएंगे उलट जाएंगे साले थकैया जो लगी है ना साले दूर हो जाएगी अभी दूर हो जाएगी दूर हो जन्नत नजर आएगा परी नजर आएगा देखो चाचा हम तुमको जब पैसा देते हैं कभी मांगता हूँ नहीं मांगते हो नहीं मांगते नहीं तुम दारू देते हो तो क्यों मांगते हो अरे ज्यादा हो जाएगी तो कैसे उठा के ले जाओ अम्मा यार तुम नहीं जानते हैं हम तुम तो एक ही है कभी तुम हमको पिलाओ कभी हम तुमको जल्दी थोड़ा और पिलो क्या बाटल दे और कहीं काम से जाना है मुझे चाचा झूठा बहुत मजा आ रहा है दारू में यार चोर साले झूठ दारू साथ में मेहरारू मेहरारू क्या दाने लगी साले थोड़ा और पिलो क्या चाचा पी ले साले मजा आ रहा है ज्यादा हो रही है मजा आ रहा है ज्यादा हो रही है ज्यादा हो रही है राजकुमार मेरी दादू ने जरा उठा पे कह रहा अब चाचा नहीं पे मारूंगा ये शराब मेरी पिएगा मुझे ही गाली देगा मेरी माँ बहन तुम दारू मत पैदा करो बे तुम साले चिल्लू में उल्लू हो जाओ चार देगी जिंदगी है बे खा लो खिला लो कुछ पे लो पिला लो जिनने दारू को नहीं पिया वो जिंदगी में कुछ नहीं किया एक मिनट अरे साले पूरा सोच तुम दारू मत पेला करो अबे नहीं पीऊंगा तुम साले चुल्लू में उल्लू हो जा रहे भाई चुल्लू मुल्लू भी हो जा रहे चार दिन की जिंदगी है खा लो खिला लो कुछ पे लो पिला लो मेरे दारू तो जिनने दारू को नहीं पिया वो जीवन में कुछ नहीं किया कई बार 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 बोलेगा देखो बे शेर याद आ रहा है शेर आ रहा तेरे दिमाग में शेर आ रहा है कहा गया है बे कि दारू पीने से पहले दारू पीने से पहले बोतल हिलाई जाती है और मेहरारू पटाने से पहले आंखें मिलाई जाए भोसड़ी वाले वाह वाह तुम दारू मत पहला करो बे तुम साले चुल्लू में उल्लू हो जाएंगे चार दिन की जिंदगी है बे खा लो खिला लो
कुछ बेलो पिला लो, तुम दारू मत पिला करो, यार बाहर मार जा, मार चौके पड़े, तुम साला चुल्लू में उल्लू हो जाते हो। कहा गया है बे? अब क्या कहा गया? मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ खाली गम भुलाने को। और तुम देख के बहुत जलते हो, तुम देख के जलते हो अपनी मैया। चोर चोर चोट्टा बनने का बच्चा, चोर बानर मर गया का हो बच्चा, इनाम पैसा चोर सारे बेड़ी चोर। तुम चल जुआ के जब चलते आज होगा घर चलते हैं, जीतेगा नहीं हम जीतेगा। ईमान होती है सुराही दी जवानी की भी वादत बड़ी रंगीन हो पिलाना फर्ज था कुछ भी पिला दिया Yeah.
खुशी हाथे पालन तारा रानी नहीं के पहुंची हाथे पालन सजनी करा क्यों नहीं दिया मेरी मौत क्यों नहीं दिया भगवान गरीबी जिसे दे गरीब की हालात क्या होती आप लोग समझते हैं भगवान शादी भी आज अच्छे से हुआ लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि हमारा पति शराबी निकल गया इतना ही शराब के झोंके में ले जाता है घर का बर्तन भेज जाता है चावल भेज जाता है आटा भेज जाता है मैं किस तरह बच्चों को खिलाऊं भगवान जिसे तू पति दे जिसे पति दे उसे लाग दे ऐसे उसे मौत दे दे वाली मैं पति को गाली देती हूँ मैं पति को गाली देती हूँ तो मैं नर्क में जाती हूँ नर्क में जाती हूँ पति चाहे जैसा भी हो पति जैसा भी चाहे जैसा भी हो लेकिन पत्नी के लिए भगवान होता है अपने मान सम्मान के ऊपर मैं मर मिटती हूँ भगवान मेरा पति मुझे इतना मारता है दारू पीने को इसलिए मैं पैसा नहीं देती हूँ मुझे चटाई पकड़ के पटक पटक के मारता है भगवान आज घर में कुछ खाने को नहीं है मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी क्योंकि इम्तहान भी बेटे को बिटिया को हो रहा है बड़े बेटे का नाम शिवमोहन वो 5 साल की उम्र में न मालूम कहां परमात्मा खो गया आज तक उसको पता नहीं चला वो कहां पर हमारा लाल है कहां पर हमारा लाल सुशागर सुषमा पढ़ने जाते हैं माँ से पैसा मांगेंगे फीस के लिए मैं जहां काम करने गई थी वहां आज पैसा नहीं पाई बच्चे मांगेंगे माँ मुझे खाना खिलाओ तो मैं अपने बच्चों को क्या खाना खिलाऊंगी क्या खाना बलिया जी गांव बिना फिर को मैं रहने वाली हूं मैं क्या बताऊं परमात्मा इसी तरह मेरा हालात गुजर रहा है तब तक बेटियों बच्चे को राम में ज्योति परमात्मा